हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। इजी इजी किचन में मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को। चलिए आज हम झटपट से फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपने हस्बैंड के लिए बनाइए। सुबह में हो या शाम में, अक्सर बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे चाहते हैं कुछ खाना, तो आप उसमें शाम में स्नैक के तौर पर दे सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, आपको जो ब्रेड पसंद है, जिस तरह की ब्रेड पसंद है, आप उसमें आराम से, जो भी है आपके घर में यूज़ होती है, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना चूल्हा ऑन कर दिया है, इसे लो फ्लेम पे है। पैन हमारा ज़रा सा गर्म हो जाए। पहले हम इसके अंदर देखिए, हमारे मेरे पास 3 अंडे हैं, इनको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए 2 हैं और ये मेरे पास 3रा है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। ये इसमें हम निकाल देते हैं, इसमें इसका छिलका चला गया था। चलिए देखिए, अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, वो मैंने डाल दी। और 1/4 कप मेरे पास एवरपोटेड मिल्क है, जो हम चाय के लिए भी अक्सर डब्बे वाला जो आता है ना दूध, वो हम यूज़ करते हैं। 1/4 कप मैंने वो लिया है। ये तीनों चीज़ें हम, और अंडे हैं मेरे पास, इनको हम सही से बीट कर लेंगे, अच्छी तरह से आप इसको बीट कर लीजिए तीनों चीज़ों को। अंडे हैं, दूध है हमारे पास इसमें, और शुगर है। 3 अंडे मैंने लिए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 3 अंडे हैं मेरे पास, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून शुगर डाली है और 1/4 कप मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है। ये तीनों चीज़ें हम अपनी सही से कर लेंगे, ताकि हमारी शुगर जो है वो सही तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए हमारी शुगर सही से इसके अंदर मिक्स हो गई है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट ये रेसिपी बन जाती है, और बच्चे बड़े सब इसको बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी अपनी, ये मेरे पास थोड़ी सी जो है हमारे पास सिनेमन है पिसी हुई, मैं पिंच भर इसके अंदर थोड़ी सी वो डाल रही हूँ, बस ज़रा सी। और इसको भी हम, ये अच्छी सी खुशबू देगी, इसको हम इसको भी बीट कर लेते हैं। अब देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर पहले मैं, आपको पता है मैं डायरेक्ट बटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी, बटर जो है अगर आप डायरेक्ट उस पर डाल दें पैन में या अपने किसी भी पॉट में, तो वो जलने लगता है। तो थोड़ा सा हम पहले ऑयल डालेंगे। देखिए 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, और उसके अंदर फिर मैं ये अपना 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बटर डालूंगी। देखिए इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। मेरे घर में जो ब्रेड खाई जाती है, मैं उसी में आपको बनाना सिखा रही हूँ, उसी में मैं बना रही हूँ। मेरे पास कोई मैंने स्पेशल ब्रेड नहीं खरीदी है, जो मेरे घर में खाई जाती है मैं उसी में बना रही हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अब मूड है, कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाती है कि अब आपको फ़लाँ चीज़ स्पेशल चाहिए है तो आप रेसिपी बनाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए होता है व्यूअर्स, देखिए कि वही चीज़ चाहिए होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी उसे बना सकते हैं। देखिए ये हमने इसमें डाल दिया, ऐसे ही हम एक और डालते हैं। इसको डिप कर लीजिए अच्छी तरह से ब्रेड को इसके अंदर, इस तरह से। मैंने जो ब्रेड है उसको बीच में से देखिए ऐसे कट कर लिया है। ये हमारे हो गए, चलेगा। ये देखिए, ये मेरे पास ऐसे स्लाइस था, इसको मैंने बीच में से यूँ काट के ये इस तरह से कट कर लिया था। चलिए अब हम इसका बना रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा ये मीठे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ये वैसे होते हैं, लाइट होते हैं बिल्कुल,
आप खाइए और इसके साथ आप सुबह नाश्ते में कॉफ़ी का कप बनाइए, या अगर आपको चाय पसंद है तो आप अपने लिए चाय बनाइए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हो जाए तो फिर हम इसको पलटते हैं इधर से। अभी हमारा और होना है, इसको अभी हुआ नहीं है। इधर से कर देते हैं, ये इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। ये तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे थोड़ा से, तो फिर हमें ये अच्छी सा लुक दे भी देंगे। आपकी रेसिपी, जो भी आप चीज़ पका रहे हैं और वो देखने में भी खूबसूरत लगे और उसको आप अच्छे तरीके से गार्निश करके और अच्छे तरीके से उसे अच्छे से प्लेटर में सर्व करिए, तो वो और मज़ा देती है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो खाते तो हम बाद में हैं, पहले हम उसको देखते हैं। तो जब वो देखने में ही बहुत अच्छी लगती है तो फिर हमारा खाने को भी उसको दिल जाता है। इसको ये देखिए, इतना अच्छा सा, ये देखिए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए बहुत लोग जो है मैंने देखा है कि वो इसके अंदर बैटर में कॉर्न स्टार्च भी डालते हैं थोड़ा सा। मैं वो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि उससे हमारी जो ये है फ्रेंच टोस्ट काफ़ी हेवी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए उसको कॉर्न स्टार्च इसमें यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसमें सिर्फ मिल्क, शुगर और एग और सिनेमन का थोड़ा सा पाउडर, बस मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसी में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे और यमी से ये बन जाते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब इसको हम निकालते हैं। ये हमारे हो गए, ये देखिए, हम इसको ऐसे रखते हैं, उसके साथ हम इसको ऐसे रखते हैं। चलिए और बनाते हैं। हम थोड़ा सा अपना फिर ऑयल डालेंगे इसमें। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया अपना, ये बटर डालूंगी मैं इसके अंदर, और पैन को मैं उतार रही हूँ कि मेरा पैन जो है थोड़ा तेज़ गर्म हो गया है, तो मैं इसको, ये देखिए, ये हम इसके अंदर और डाल देते हैं अपना, ये और इसको भी हम डाल देते हैं। देखिए आई थिंक कि मैं एक और भी डाल सकती हूँ, इस पैन में मेरे जगह है, तो मैं एक और बना लेती हूँ। इसके बनने का इंतज़ार करते हैं। इसको जो है हम ऐसे रख लेते हैं, ऐसे करके, देखिए, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे तो हर किसी का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक पसंद है, हर कोई अपने स्टाइल से, अपने टेस्ट के हिसाब से, हर किसी की फैमिली में अपने हिसाब से कुकिंग होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जैसे मैं बनाती हूँ, मैं वैसे आपको सिखाती हूँ। ये देखिए, इतने अच्छे से हमारे मज़े के लग रहे हैं देखने से ही। ये मैं चूल्हा अपना बंद कर रही हूँ और मैं इसको भी ऐसे रखूंगी, इसको भी मैं इसके ऊपर ऐसे रखूंगी और इसको भी मैं इसको ऐसे रखूंगी। देखिए हमारी ये फ्रेंच टोस्ट रेडी हो गए। इसके ऊपर अब मैं ये थोड़ी सी अपनी, ये मैंने शुगर है मैंने, जिसे मैंने अपने कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लिया था, तो इसको मैं थोड़ी सी डस्ट करूंगी इसके ऊपर ऐसे करके, तो इसका लुक और अच्छा देंगे।
चलिए व्यूवर्स, आज की हमारी ये रेसिपी भी तैयार है, फ्रेंच टोस्ट। इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ। ओके व्यूवर्स, बाय बाय।